हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ उषा अग्रवाल और आज की अपने इस वीडियो में बताने जा रही हूँ मैं बंदर बाल बनाना। मेरे यहाँ पे ये बंदर बाल की साइज 60 इंच है और यहाँ पे मैंने ये पट्टी तैयार कर ली है। अब हम इसके सेंटर में और एक की लेस लगा देंगे। आप चाहे तो इसे ग्लू गन से भी स्टिक कर सकते हैं और आप चाहे तो इसे सिलाई करके भी लगा सकते हैं। मैं यहाँ पे इसे सिलाई करके लगाऊंगी। तो इस तरीके से मैंने इसके ऊपर ये वाली लेस जोड़ ली है। ये कॉम्बिनेशन अपने आप में ही बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, लाल हरा पीला और इसमें ये गोल्डन कलर का वर्क है साथ में, तो ये कॉम्बिनेशन हमेशा ही अच्छा लगता है। और ख़ास करके अगर हम ठाकुर जी के लिए कुछ बना रहे हैं, पूजा घर के हिसाब से कुछ बना रहे हैं, तो ये कलर कॉम्बिनेशन मेरा हमेशा ही फेवरेट रहा है। तो इस तरीके से मेरा ये बंदरवाल का बेस बन के तैयार है। बंदरवाल में लगाने के लिए मैंने बीच में इस तरह का सेंटर पीस बनाया है। इसका वीडियो मैंने अपने चैनल में अपलोड कर रखा है और डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक भी दे दूँगी, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। इस तरह की बंदरवाल मैंने कहीं पर देखी थी, मेरा काफ़ी मन था कि मैं भी कुछ इस तरीके का बनाऊँ, तो मैं इस दिवाली अपने पूजा घर के लिए इसी तरह की बंदरवाल बना रही हूँ। कुछ हाथी है, ये पेचेस मैंने रेडीमेड ही लिए और कुछ इस तरह की बूटियां हैं। अभी दो बूटी बनानी बाकी है। और दोनों साइड में लगाने के लिए इस तरह की लंबी हैंगिंग है, ये मैं रेडीमेड ही ले आई थी। आप बना भी सकते हैं लेकिन मैं रेडीमेड ही ले आई थी इसे। और यहाँ पे मैंने बहुत सारी ऐसी छोटी छोटी हैंगिंग बना के रख रखी है। तो सबसे पहले हम इस तरह की बूटी जो मेरी दो बाकी है वो बना लेते हैं। तो सबसे पहले हम ऐसे सर्कल कट कर लेंगे। ये मेरे पास प्लास्टिक के थे, आप चाहे तो गत्ते के भी बना सकते हैं। इस तरीके के सर्कल साइज आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। मेरा ये बेस वाइट कलर का है और यहाँ पे मैंने रेड कलर का कपड़ा लगाया है, तो ये अंदर से वाइट कलर थोड़ा झलक रहा है, तो ये कलर इतना खिल के नहीं आ रहा है, तो हम इसे ना डबल कर देंगे। तो मैं अभी इसे डबल कर दूंगी, सिंगल में और डबल में काफी फर्क दिख रहा है। हमारी बेस बनके तैयार है। इसके लिए चाहिए हमें स्टोन की चेन, छोटे मिरर और इस तरह के स्टोन लिए मैंने।
इस तरीके से हमारी ये वाली बूटियाँ बनके तैयार है। मेरे यहाँ पे ये पेस्ट बनके तैयार है। अब मैंने ऊपर की तरफ इस तरह से नाके लगा ली है, जितनी आपको लगानी है आप लगा सकते हैं। अब हम इसका सेंटर पीस सबसे पहले अरेंज करेंगे। इसका सेंटर निकाल के हम ये पीस चिपका देंगे। अब हम साइड में ये वाले जो पीस हम बनाए थे उसे हम अरेंज कर देंगे। अब मैंने ये जो हैंगिंग बनाई थी नीचे के लिए लटकन, वो हम इसे लगा देंगे नीचे की तरफ एक एक करके। इस साइड हम जैसा किए हैं सेम दूसरा साइड भी वैसे ही कर लेंगे।